आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों पर। आज घटिया से विधायक रामलाल मालवी ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह आज देखते ही बन रहा था। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली के तौर पर रामलाल मालवी का समर्थन करने पहुंचे। इस दौरान हर कहीं कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ता मालवी और पार्टी के जयकारे लगाते हुए रैली में शामिल हुए। इस दौरान रामलाल मालवी ने श्री महाकाल लोक टीवी से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहीं घटिया से विधानसभा में कांग्रेस की ही जीत होगी। अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लवखेड़ी सरकार की ही चलती है, किसी और की हुंकार नहीं चलती। हम किसान हित में काम करेंगे। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस 1500 रुपये महिलाओं को देगी। सड़क बिजली पानी के आधार पर कार्य करेंगे और नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का पानी भी यहां के खेतों में पहुंचेगा। विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री रामलाल जी मालवी के साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपने नामांकन भर दिया? जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया हमने। आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं बनती है? सरकार बनेगी कांग्रेस की, हम जीत कर जाएंगे ऐसे घटिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लाल मालवी जिंदाबाद। कल अमित शाह आए थे, उन्होंने मंच पे जो है आपके प्रतिद्वंदी सतीश मालवी को वहाँ खड़ा किया था, उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ लवखेड़ी सरकार बैठी है, बजरंग हनुमान जी महाराज। घटिया विधानसभा में यहाँ कोई हुकार नहीं चलेगी किसी की, यहाँ लवखेड़ी सरकार की चलेगी। हमने लवखेड़ी सरकार के यहाँ शीश नमाया और वहीं से हम लोगों ने अभी जो फार्म भरे उसके पहले मैं भगवान हनुमान जी के दर्शन करने गया, उनका आशीर्वाद लेकर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी और घटिया से भी कांग्रेस का विधायक चुन कर जाएगी। इस बार भी अगर आपको विधायक चुना जाता है तो क्या योजनाएं रहेंगी आपके भविष्य की? जो काम विकास निरंतर चलता रहता है और आने वाले समय में घटिया विधानसभा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना वचन पत्र दिया उनको लेकर हम लोग जाएंगे। किसान को क्या चाहिए, सिंचाई के लिए बिजली, सिंचाई के लिए पानी, उनको फसलों का उचित दाम मिले, किसानों को समय पर फसल का मूल्य मिले, समय पे उनको खाद मिले, बीज मिले, उनकी उनका उन्हीं बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी। माँ बहनों के सम्मान में, नारी सम्मान के रूप में कांग्रेस पार्टी 1500 रुपये प्रति महीना देगी। गैस का कनेक्ट, गैस की टंकी 500 रुपये में देगी। बच्चों को पढ़ा पढ़ाओ योजना के माध्यम से 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये 5वीं 8वीं और 12वीं में जब जाएगा। बहुत सारी योजना है, हम लोग चाहते हैं कि घटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। घटिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में हम नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का पानी लाकर देंगे ताकि किसानों को खेतों में सिंचाई हो सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।